RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद सैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये कैसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है भूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर साथिया। हाल ही दिनों में अचानक दिल का दौरा पड़ने से सेहतमंद लोगों के मरने के वाकयात में इजाफा, इसी तरह का एक अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के जगतियाल शहर में भी जुमे की सुबह पेश आया। जगतियाल शहर के कृष्णानगर से ताल्लुक रखने वाले 53 साला बोसा वेंकट राजा गंगा राम सुबह मुकामी क्लब में शटल खेलते हुए अचानक गिर गए। सदर मजलिस को पुराने शहर के मसाइल हल करने बंडी संजय कुमार का मशवरा। सदर बीजेपी बंडी संजय कुमार ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन पर इल्ज़ाम आए किया कि वो आइंदा असेंबली इंतखाबात में बीआरएस को इख्तदार पर लाने के लिए गुमराह कुन तकारीर कर रहे। केसीआर ने बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन को मुतहद करने की मसाई तर्क कर दी। बीआरएस को कौमी जमात बनाने के ऐलान के बाद के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र में 3 अवामी जलसों से खिताब किया और पड़ोसी रियासत के कई सियासी कायदीन बीआरएस में शामिल हो रहे। इटाला राजेंद्र और विजय शांति में ठन गई। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और हुजूराबाद रुकन असेंबली इटाला राजेंद्र के दरमियान तनाव बरकरार ही है कि बीजेपी की कौमी रुकन आमिला विजय शांति और इटाला राजेंद्र के दरमियान भी ठन गई। आजमीन के लिए हैदराबाद एयरपोर्ट पर खसूसी टर्मिनल की सहूलत बर्खास्त। हैदराबाद इम्बारगेशन पॉइंट से आजमीन हज की रवानगी का आगाज 7 जून से होगा और 22 जून तक तकरीबन 5,200 आजमीन रवाना होंगे। ये आजमीन हैदराबाद से जिद्दा रवाना होंगे। इन आजमीन की वापसी 15 जुलाई से 30 जुलाई के दरमियान होगी। तलबा को मुफ्त नोटबुक्स की फराहमी, आइंदा तालीमी साल से सरकारी दारेजात मुकामी के स्कूल्स, मॉडल स्कूल्स, तेलंगाना रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी, शहरी अकामती स्कूल्स और केजीबीवीज के जमात ششم تا 12वीं जमात के तलबा को 6-14 नोटबुक्स मुफ्त फराहम किए जाएंगे। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमे को रियासत के यौम तासीस के मौके पर हैदराबाद में रियासती असम्बली के करीब शहदा मेमोरियल पर तेलंगाना तहरीक के कायदीन को गुलहाय अकीदत पेश किया और तेलंगाना की आवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की। जीडीपी का इंतखाबी मंशूर कर्नाटक में बनाया गया। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि जीडीपी के इंतखाबी मंशूर को आंध्र प्रदेश में तख्लीक नहीं किया गया। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगुदेशम पार्टी का इंतखाबी मंशूर एपी में पैदा नहीं हुआ। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 267 नए मामले दर्ज और इसी अरसे में 2 मरीजों की हुई मौत। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के यौम तासीस पर आवाम को दी मुबारकबाद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को तेलंगाना के यौम तासीस पर आवाम को मुबारकबाद पेश की। RNS यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट केनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद सैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये कैसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है भूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर साथिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, RNS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनी स्टोन है, इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पत्री ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पत्री फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं।
चार साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था, कई हॉस्पिटल्स में फिरा। डॉक्टर ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनी स्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता नहीं चला। थैंक यू फॉर यूनी स्टोन। నేను ఒక సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్ తో చాలా బాధపడ్డా, డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది, అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్ లో ఆర్డర్ చేశారు। ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనీ స్టోన్ వాళ్ళ పౌడర్ పంపించారు, అది తాగిన వెంబడే क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लेडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे, उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था ना कुछ, नहीं कहने शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा, एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय आरएनएस यूनिटी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुर एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।